आम आदमी पार्टी का वो जुझारू आगू जिस वालों साल 2017 दियां विधानसभा चोणां दे विच भाग लिया गया सी ते हुशियारपुर के हलका मुकेरिया तो विधायकी की चोण लड़ी गई सी। हालांकि 2017 दे विच आम आदमी पार्टी का हशर की होया सी तुसी सारे भली भांत जानते हो, परंतु इस आगू वालों बड़ी बेवाकी दे नाल मुकेरिया जो कि नजायज़ माइनिंग नूं लैके काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, लगातार नजायज़ माइनिंग विरुद्ध आवाज़ बुलंद की जा रही सी ते लगातार संघर्ष भी किया जा रहा सी जो कि माइनिंग माफिया की अखा विच भी रड़क रहा सी, जिसनों लैके माइनिंग माफिया वालों साल 2019 12 सितंबर वाली रात को उस जुझारू आगू सुलखण सिंह जग्गी ते कातलाना हमला करके उसनू मौत दे घाट उतारण की कोशिश की गई सी, परंतु अज अपनी सरकार सत्ता दे विच होण दे बावजूद भी सुलखण सिंह जग्गी अपने इंसाफ लई दर दर दियां ठोकरां खाण नू मजबूर है। मेरे नाल गलबात करन लई खुद सुलखण सिंह जग्गी मौजूद ने। जग्गी साहब, लगातार तुहाडे वल्लों माइनिंग माफिया विरुद्ध आवाज़ बुलंद की जा रही सी मुकेरियां दे विच वड्डे पद्धर ते तुहाडे वल्लों समय समय से संघर्ष भी किया जाता रहा है, एक दिन अजिहा आ गया कि माइनिंग माफिया जिहड़ा अपने वल्लों सुलखण सिंह जग्गी नू मार के राह विचकार सुट गया सी, अज तक अपनी सरकार आउण दे बावजूद दर दर दियां तुसीं ठोकरां खा रहे हो इंसाफ लई। पहलां तां मैं हुशियारपुर न्यूज़ की समुची टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने बड़े अरसे बाद मैनू अपने दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता है। सो जे असी गल करिए कश्यप जी तो 12/9/2020 मेरे तो जानलेवा हमला होया सी, जिहदे विच मैनू ये माफिया के लोग जिहड़े आ बिल्कुल ख़त्म करके सुट गए सी। मगर एक आस सी सानू, असी तो लोगों को एक होका दिता सी 17 तो पहला ही, मैं पिछले 10 साल तो माइनिंग के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में बोर भी पिया सी और उस समय गलती कमदा सी माफिया जिहड़ा लोग सी साडे नां तो भी कमदा सी। सरकार बन गई, लोगों ने 17 विच सानू वोटां पाईया और इस लड़ी ते वोटां पाईया कि लोगों की ये जिहड़े हैगे आवाज़ चुकदे है, क्योंकि क्रांति साडी जिहड़ी आम आदमी पार्टी अंदोलन चों एक उठी हुई पार्टी सी, उस अंदोलन का मैं भी एक हिस्सा सी, मैं पार्टी का पंजाब का फाउंडर मैंबर हाँ और इस वेले भी पूरे जिले की जिहड़ी टीम हैगी है जां लीडरशिप हैगी सारे तो सीनियर जे किसी का नाँ हैगा तो मेरा ही है। सो बीच मेरे ते हमला होया, मैं 22 की इलैक्शन च हिस्सा नहीं लै सकिया, मगर पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लाई पार्टी लिए मैं दिन रात काम किया, अपने मकेरियां हल्के जी भी 17,000 तो वोट 38,000-39,000 चल गई, शाम 84 हल्के जी एक महीना भर पूरा मैं डॉक्टर अवजोत दे नाल काम किया। सरकार बदल गई मगर कितना कितने साडे मन च कसक रहिंदी हैगी है कि असी लोगों ने जिन्हां माफिया लोगों के खिलाफ वोटां मंगियां सी और लोगों ने वोटां वो पाईयां, मगर उही माफिया लोग जिहड़ा हैगा हुण साडी जिहड़े सत्ता दे काबज कुछ लीडर हैगे आ उन्हां दी छत्र छाया थले अगे तो जिहड़ा हैगा डबल काम कर रहा। और मैं बेवाग तुहाडे चैनल दे माध्यम राही CM साहब नूं बेनती करना चाहुंदा कि सानू बहुत वोटां लोगों ने पाईयां, लोगों ने साडे ते विश्वास भी किया, मगर अज हालात ये बन गए कि ओपोजिशन साडी विरोधता नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही कि जिहड़े जिहड़े प्रशासनिक अधिकारी हैगे जिन्हां ने इस गल ते कंट्रोल करना है माफिया नूं नत्थ पाणी है वो उस अपनी ड्यूटी नूं पूरी नहीं निभा रहे जिदी जिस सदका ओपोजिशन नूं साडी मुखालफत करन दी कोई जरूरत नहीं, जिहड़े अफसर लोग ही इदां दे काम करी जा रहे जां अफसर लोग जिहड़े हैगे आ उह इहनां गोरख धंधा करन वाले लोकां दी मिलीभुगत दे नाल इदां दे काम करी जा रहे आ। मुताबक कि अज भी मुकेरियां जो कि नजायज़ माइनिंग दा गढ़ मन्निया जांदा अज भी उत्थे माइनिंग दे हालात कोई बहुते वधिया नहीं, मतलब कि पहले नालों माइनिंग वधी है उस हल्के दे विच। बिल्कुल अपने कश्यप जी बेवाक मैं इस गल तुहाडे अगे मुड़ के दोहराना चाहना कि अज भी वह लोग जिहड़े पिछली सरकार दे विच माफिया राज चला रहे सी माइनिंग दा अज भी उही लोग चला रहे आ। असी बार बार SDM नूं मिल लईए, बार बार DC मैम नूं मिल लईए, उन्हां को यही जवाब हुंदा कि असी कर कुछ नहीं सकते। सरकार वालों मैं तुहानूं दसना चाहना कि सरकार क्यों नहीं कर सकते, सरकार दा कोई पोलीटिकल प्रैशर आ जां जिहड़े माइनिंग माफिया दी पहुँच आ जिहड़ी उपर तक आ काफ़ी। मैं तुहानूं दसना चाहना कि जे सरकारी जिहड़ा रेट हैगा इस वेले रेट दा सरकार तुसीं माइनिंग पॉलिसी बाहर कर लो 17.5 रुपए रेट दा रेट है, जिहड़े क्रैशर माफिया हैगे आ उह 5,500 रुपए वेच रहे हैं, बजरी जी 4,000 वेक रही है कि वेक रही है, यदा इंप्लीमेंट किन कराना। सरकार साढ़े जे CM भगवंत मान जी बहुत वधिया काम कर रहे हैं, लोग हितों के फैसले कर रहे हैं और लोगों के हितों की जेडे काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने इंप्लीमेंट जोड़े है सरकारी जोड़े अफसर है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल जो पहला उन्होंने साण गांठ से उस तरह के नाल हूँ निभा रहे हैं। कमी कितने तुम्हें लग रही है क्योंकि सरकार
एक भरोसा सी बदलाव लियावांगे आपां पंजाब दे विच। पंजाब दी तां खैर गल छड्डो, किन्ना क बदलाव आया हर एक व्यक्ति जाणदा है। हुशियारपुर ज़िले की गल कर लईए, तुहाडे माइनिंग नूं लैके बदनाम हल्के की गल कर लईए, किन्ना क उत्थे बदलाव आया जी? देखो बदलाव तो बहुत आया, बहुत काम हो रहे हैं। साढ़े जिहड़े माणयोग सत्कारयोग सीएम भगवंत सिंह मान जी लोगों की नब्ज देख के लोगों के फैसले, लोग हित फैसले लै रहे हैं, रोज़ लोग हित फैसले लै रहे, लोगों के काम भी हो रहे हैं। मगर जिहड़ा माफिया लोग है ये जिहड़ा प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भुगत ना पहला भी चलता सी, और हुण भी जिहड़ा प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भुगत दे नाल जिहड़ा माफिया लोग काम अपना निरंतर काम कर रहे, उन्होंने सिर पर कोई जूं तक नहीं सरकती। अच्छा, तुहाडा इंसाफ कित्थे खड़ा? तुसीं कहिंदे कि बहुत वधिया काम कर रहे हो, जेकर बहुत वधिया काम कर रहे हैं तो तुहानूं अज तक क्यों नहीं इंसाफ मिल सकिया? पौने दो साल के करीब का समा सरकार नूं होण दे विच आयन हो रहा जी। देखो अपने कश्यप जी, गल उत्थे टिकी हैगी है कि इंसाफ देना किन्हां लोगों ने है, इंसाफ तो प्रशासन अधिकारियों ने देना ना। असीं तां बार बार जा ही सकते ना, असीं गल की एक असीं क्रांतिकारी लोग हैं, अंदोलन दे विच उठी निकली हुई जिहड़ी पार्टी है साडी, असीं उहदे हिस्सा आए हैं। अधिकारी क्यों नहीं दे रहे फिर? इट मीनस कि जिवें कि तुसीं दस रहे हो कि अधिकारी नहीं दे रहे, इट मीनस कि सरकार दे कहने 'च है नहीं अधिकारी? फिर देखो जी, जिहड़े सीनियर जिन्ने भी अधिकारी हैगे आ, अज भी मैं एस पी डी साहब को आया से मिलने, अपने केस संबंध आया से, और एस पी डी साहब क्योंकि मैं सी एम साहब न भी मिल के आया, अपने डी जी पी साहब नू भी पिछले 2 साल हो गया मैं अपने दरखास्त दी जी कि मार्क हो गए, एस एस पी साहब को आ गई है, एस एस पी साहब ने वो मार्क एस पी डी करती है। गल इतें अड़ी है कि जी मैं मंग की थी जो साढ़े एक उतो का पिछले 5 साल तो रविंद्र सिंह डी एस पी से जिन्हें सारा जो मेरा केस से जोड़ा उन्हें अगे नहीं जान दिता और उन्हें मुलजमान बचाया, वो एस जो डी एस पी से ड्यूटी हुशियारपुर से इनकुआरी किदा हो जाती। पुलिस ने अपने अफसर बचाने के लिए जी मेरी इनकुआरी है पता नहीं कि बस्ते पाती है, एस पी डी कहता कि मैं एक दिन भी वो इनकुआरी की नहीं, हद तक मैं तफ्तीश नहीं की। अगर हिसाब तुम ला लो कि सन जो 23 भी खत्म होने किनारे पर आ गया, तो एस पी डी के लफ्ज है कि मैं तुम्हारी इनकुआरी देखा नहीं। एक होर मैं गल साझी करदा कि जो सा डी एस पी मगेरियाँ लाता पुल जी एस एस पी ने डी एस पी लाया, वो तिना थाने एस एच ओ रह चुका, मगेरियाँ दसू हाजीपुर तलवाड़ा, उन्होंने सारे गोरख धंधा करने वाले लोगों का पता, वो जो पहला चलता सी जिहड़ा डी एस पी पहला रविंदर सी उहदे टाइम चलता सी उही गोरख धंधा हुण चलता पिया। क्यों नहीं सरकार को बंद करवा हो रहा? गल तो उत्थे जाके मुकदी है, इंप्लीमेंट तो सरकार ने करना हुंदा है, सरकार नाल रल गई है। फिर पंजाबी की कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता कि जिहड़ी वी चोरां नाल रल गई, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द। देखो जे सरकार नाल रली होवे तां असीं बेवाक तुहाडे चैनल के थ्रू इन्नी गल कह नहीं सकते हैं, असं बेवा कह रहे हैं, असं सरकार का हिस्सा है। मैं 2017 एक आम आदमी पार्टी वालों इलैक्शन एम एल ए की लड़ी है, और लोग हिता हूँ भी मैं लोगों के जो मसले है सरकार के रह के उठाना पाया, क्यों उठाना पाया कि अस लोगों ने सानू विश्वास करके सानू वोटा पाइया, मगर जो कुछ अधिकारी है कुछ कालिया भेडा जिहड़ियां हैगियां उन्होंने चेंज करना बहुत जरूरी सी। आपां सीएम साहब अगे बेनती करांगे कि 24 दी चोणां असीं तां जित सकदे जे जिहड़ियां कालिया भेडा हैगियां इन्हां नू साडे जिले चों बदल के दूसरे जिले च ला दो, ताइयों आपां सिस्टम सुधार करांगे ना। जे दूसरे जिले वाले साडे जा के अफसर काम करनगे वो लोगों च इन्ने घुले मिले नहीं होणगे, वो जिहड़े पहले पुराने लोग है उन्होंने जिहड़े घुले मिले अफसर उही इत्थे ड्यूटियां बार बार अपनी लगवा के और गोरख धंधा नूं बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम साहब की तुसीं गल कर रहे हो, दसूहा हल्के के अधीन पिंड आउंदे आ झिंगड़ कलां कि झिंगड़ खुरद, जिथे कि 2019 दीआं वोट चोणां दौरान शायद सीएम साहब उत्थे उस पिंड विच आए सन, रैली नूं संबोधन किया गया सी, मीडिया वालों भी उत्थे सवाल चुकिया गया सी कि तुहाडे सुलखण सिंह जग्गी ते हमला होया जी, कि की करा के किस तरह वेखते हो इंसाफ दवाने लई उन्हां नूं की कुछ करोगे? वह कहिंदे कि मैं एस एस पी नाल भी गलबात करांगा, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा, कोई कीती सीएम साहब ने भी तुहाडे नाल गल? हुण तां 2 साल के करीब का समा होने वाला जी, कि उन्होंने भी मामला जिहड़ा ठंडे बस्ते दे विच ही पा दिता? देखो मैं तुहाडे सीएम साहब बहुत सत्कारयोग सीएम साहब ने लोक हित लई फैसला लैंदे और पार्टी के वर्करां दी बांह भी फटदे आ, और साडी मैनूं आस है कि आपां उस कुदरत नूं भी मनण वाले लोग हाँ और असीं विश्वास करते हैं, कानून ते भी विश्वास करते हैं, इंसाफ जरूर मिलेगा, देर सी सवेर सी इंसाफ जरूर मिलेगा। सीएम साहब साडे हर पार्टी वर्कर की हर वेले गल भी सुनते हैं और बांह भी फटते हैं, कितने ना कितने बिच जो कि मैं पहला गल की जिहड़ी कालिया भेडा है जिहड़े सरकारी मुलाजम है जिहड़ा कालिया भेडा की उन्होंने सांझ है वो अपनी सांझ नहीं तोड़ पा रहे, सो ये जिहड़ी सांझ है इन्हू तोड़न की आपां कोशिश करते पे हाँ, जिहड़े अफसर है उन्होंने लिस्टा बना के आपां सीएम साहब तक पहुँचा रहे कि इन्हां अफसरां नूं बदलिया जाए तां जो असीं 24 दीआं चोणां जित सकीए। अज भी मुकेरियां दे विच नजायज़ माइनिंग दा तुसीं कहिंदे कि धंधा पिछलियां सरकारां नालों ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਐਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਸੀ,
लोगों का सेवक से, हूँ भी मैं दास ही हाँ, हूँ भी मैं सेवक है। मैं हर वेले अज भी मैं कई लोगों के काम से जोड़े लैके डीसी दफ्तर आया से और एस एस पी साहब न मिल के गया है। सो जो धंधा है आस करते हैं कि असी 24 चोणों तो पहला इतने जरूर नकेल कसा ता जो असी लोगों को जवाब दे हो सके। पर मेरा सवाल यह है कि अज भी जिमें कि तुम्हें दसिया कि कम वधिया ही है जी, सियासी शह तो बिना संभव हो सकता इस तरह? देखो ये सियासी शह कोई नहीं हैगी, जे अफसर है जे जहाँ मूँह खून लगा है वह जो खून है वह इस धंधे निरंतर जोड़ा है चला रहा है। सो उत्ते आस करते हैं कि थोड़े माध्यम राही ये सीएम साहब तक जरूर गल पुजेगी और यही तो जरूर नथ नकेल कसी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो ये सन सुलखण सिंह जग्गी जिन्हों के नाल गलबात की गई है। सो 2019 उन्होंने हमला होया सी, कातलाना हमला किया गया सी, माइनिंग माफिया वालों लगातार अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, दर दर दियां ठोकरां खा रहे हैं, परंतु अज कई सालों का समा बीतण तो बावजूद भी सुलखण सिंह जग्गी नू इंसाफ नहीं मिल सकिया है। उम्मीद है अज भी उन्हां दी आस दी किरण है जिहड़ी ओह जग रही है कि एक ना एक दिन चाहे देर सवेर ही सही इंसाफ उन्हां नू जरूर मिलेगा। तो अज अपनी सरकार दे विच हुंदिया होया उन्हां वल्लों एक वड्डा दोष है जिहड़ा लगाया गया है कि मुकेरियां हल्के दे विच जो कि नजायज़ माइनिंग नू लैके बदनाम हल्के वजों मन्निया भी जांदा है, नजायज़ माइनिंग दा गढ़ भी मन्निया जांदा है, तो अज भी उस हल्के दे विच नजायज़ माइनिंग का धंधा आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद जोरां शोरां ते निरंतर जारी है। कैमरा परसन बलजिंदर सिंह दे नाल चेतन कश्यप, ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहो शारपर न्यूज़ के नाल।